পুরো আপনার সাথে আরো রয়েছে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अब फिशिंग का टाइम शुरू होने वाला है क्योंकि मार्च का महीना आ रहा, मार्च के महीने से फिशिंग शुरू हो जाती। वैसा बोल के फिशिंग नहीं होती, पूरा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा कम फिशिंग होती, मार्च के महीने से ज़्यादा फिशिंग होती। तो मैं एक आसान बाइट आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये बाइट क्या है आप लोग देख सकते हैं, जो भी है इसमें ये पार्ले जी बिस्किट है, इसका कमाल है। तो ये पुरानी बाइट मैं इतनी बना के रख लेता हूँ, ये बना के रख लिया। सो ये कहीं को बता रहा हूँ आप लोगों को, बोले तो खाली पीली तो मैं बना के नहीं रख लेता ना भाई, ये 5 किलो 6 किलो मैं ऐसा बना के रख लेता हूँ कभी भी। इसमें कहीं भी अगर मैं मौसम के हिसाब से और पानी के हिसाब से शिकार करता हूँ, आप लोगों को भी ये सिखा दूँ कि पानी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से शिकार करो बोल के। तो भोजन में कोड़ा नहीं मिलता भाई, कोड़ा नहीं मिलते जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करना, ये पूछ रहे थे। और इसमें भी आप लोगों को मैं दो बाइटा बताने वाला हूँ, इसमें ये चीज में थोड़ा चेंज करके बताने वाला हूँ। हर चीज मैं आपको सस्ता और अच्छा बताने भरोसे से मेरा चैनल चल रहा, क्या भरोसे से, मैं जो भी ये बता रहा हूँ मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को मैं वीडियो बताता हूँ। इसलिए आज मेरे चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर ऐसे नहीं आते भाई, भरोसे से आए। शुक्रगुजार हूँ मैं जो मेरे पे भरोसा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। इसलिए मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, अगर आपको आगे भी फिशिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस होना है, फिशिंग वीडियोस होना है, बाइट के वीडियोस होना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शुरू करेंगे। तो इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल चावल का आटा लेना है दोस्तों, ये चावल का आटा है, ये कितना मिला लेना, कौन सा नहीं मिले तो क्या इस्तेमाल कर लेना और क्या कैसा कैसा कर लेना वो बोलता हूं मैं आपको। ये गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा और चावल का आटा है, ये है, ये छोटे बच्चों को जो गवर्नमेंट में देते आटा, बहुत जने गवर्नमेंट में कौन सा आटा देते वो क्या बोलते हैं, सत्तू भी बोलते हैं बहुत जगह, सत्तू का आटा बोलते हैं, ये हर जगह अलग अलग नाम है इसका, इसलिए मैं ये गवर्नमेंट का नाम बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो गवर्नमेंट में मिलता बोल के छोटे बच्चों को देते ये आटा। तो एक पार्ले जी है, ये पार्ले जी बिस्किट है, ये 10 रुपए की बिस्किट है, पर इसका काम बहुत बड़ा है, 10 रुपए है इसका पर काम ज्यादा करती है। ये कैसा अट्रैक्ट करती मच्छी को मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं। इस पे आप लोग सिंगल सिंगल पे शिकार कर सकते, लपलप बोल के बेंड, यानी बेंड बोले तो तिरोंडा बोलते बहुत जने, तिरोंडा ऊपर फ्लूट, फ्लूट नीचे तीन गल माने तो उसको लपलप बोलते, लपलप लपलप बोलते, लपलप बोलते, लपलप बोलते बहुत जने, पर असल नाम तो लपलप बोलते उसको। तो वो नीचे ऊपर मारने के बाद ऊपर झटका मारने का रहता, वो भी फिशिंग के वीडियोस मेरे है ऑलरेडी, बहुत कुछ वीडियो है दोस्तों, बाइट के वीडियोस है, फिशिंग वीडियोस है, आप लोग देख सकते हैं जाके पिछले वीडियोस, वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को कैसा पीछे जाना पड़े, बहुत जनों को नहीं समझ में आ रहा पीछे कैसा जाना। अब मालूम है वाले बहुत जने रहते गाँव में, बहुत जनों को नहीं मालूम रहता। फोटो मेरी फोटो जो आ रही साइड में, वीडियो के साइड में नीचे फोटो आ रही, वो फोटो को क्लिक करो, मेरा चैनल ओपन होता, उसके बाद साइड में सीधे हाथ से साइड में ढक लो, ढकलने के बाद वीडियोस पूरे लाइन से आ जाते हैं आप लोगों को, आप कौन सा वीडियो उसमें देखना चाह रहे हो वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये कितना कितना मिला लेना उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये चावल का आटा है, ये किलो के हिसाब में बात कर लेंगे अपन, किलो या आधा किलो के हिसाब में। अब ये पार्ले जी की 10 रुपए के अगर एक ले लिए अपन, अगर ये नहीं मिला भी तो मैं तुमको बोलने वाला हूँ नेक्स्ट, पहले जो है यहाँ पे सामान उसके बारे में बोलता हूँ। ये पार्ले जी की 10 रुपए की बिस्किट है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये एक 1.5 किलो ले लेना है चावल का आटा, 1.5 किलो, ज्यादा नहीं कम नहीं, बराबर 250 ग्राम। और ये गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा आप लोगों को 200 ग्राम लेना है। और ये है गवर्नमेंट का आटा यानी सत्तू आटा, ये आप लोगों को लेना है 200 ग्राम, ये 250, इसमें से छटाक कम, ये लास्ट ये भी कम कर ले सकते हैं आप लोग, सत्तू आटे को भी कम कर ले सकते हैं, ये 150 ग्राम 100 ग्राम डाले भी तो चल जाता। गेहूं का आटा और चावल का आटा ये आप लोगों को बराबर डालना है, यानी एक छटाक गेहूं का आटा कम डाल लिया तो भी चावल का आटा ज्यादा लेना छटाक तो भी, अगर आप गेहूं का आटा 200 ग्राम डाल लिया तो भी चावल का आटा 250 ग्राम रहना, अगर ये 150 ग्राम डाल लिया तो भी चावल का आटा 250 ग्राम रहना। अगर आप गेहूं का आटा कम है आपके पास, चावल का आटा पिसा ले सकते, चक्की में लेके जाके पिसा भी सकते भाई,
घर में जो चावल है छोटा कनकी निकल जाता वो बाजू निकाल के रख देते घर में, वो भी लेके जाके आप लोग चावल पिसा ले सकते हैं। मैं ऐसी पिसा लेती हूँ ये पिसा के, मैं इसमें गवर्नमेंट का आटा और ये गेहूं का आटा मिला के मिक्स करके रख लेता हूँ, ये जब भी मेरे को शिकार जाना है ये इसमें से दाल लेके लेके चल जाता हूँ मैं। तो ये हो गया, ये मिक्स कर लेना पूरा, ये दाल के अच्छा पूरा मिक्स कर लेके, मिक्स हो गया बाद में ये पार्ले जी बिस्किट, ये पार्ले जी बिस्किट को आप लोगों को कैसा करना है बोले तो, इसको पहले पानी में डाल लेना या पाउडर बना के रख लेना। पाउडर बना के रख लिए तो आप लोगों को आप थोड़ा थोड़ा करके भी मिला ले सकते, पानी में डाल दे बिस्किट घुल जाती, घुल के बाद में वो पानी जितना लगता अपने को उतना पानी में मिला लेके पूरा मिक्स कर देना। अगर ये सत्तू आटा आप लोगों को नहीं मिला, सत्तू आटा बोले तो ये गवर्नमेंट का आटा बहुत जगह नहीं मिलता बोल के बोल रहे भोजन है, अगर ये आटा आप लोगों को नहीं मिला तो चावल का आटा और गेहूं का आटा ये दो और ये तीन, मैं ऑलरेडी ये वीडियोस एक दो बार बनाया ऑलरेडी, वो जितने जनों को सक्सेस हुआ बाइट उतने जने तो कमेंट करे भाई, बहुत जने बैड कमेंट्स भी करने वाले रहते कि ये फेक वीडियो है ऐसा है बोल के। फेक वीडियो रहे तो मैं हर वीडियो में चावल का आटा नहीं बोलता था। और एक बात भी बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, पहली बार पार्ले जी बिस्किट का वीडियो मैं बनाया, उसके बाद आप लोग हर चैनल पे देखे चावल का आटा मिक्स करके एक्सपेरिमेंट मैं करा, बाद में बहुत जने कर लिए। तो आप लोग मेरे चैनल के वीडियोस में जाके ओल्ड वीडियोस भी देख सकते, आप लोगों को समझ में आ जाता। कमेंट्स मेरे को क्या आते थे बोल दो, चावल का आटा पानी में टिकता नहीं घुल जाता, ऐसे बहुत बातें बोलते थे। आज हर कोई चावल का आटा मिक्स करके शिकार कर रहा, चावल के आटे की खास बात वही छे भाई, चावल का आटा घुलता नहीं, नरम होता पानी में पर घुल जाता नहीं, वो अपने मिलाने के हिसाब में रहता, मोटा मोटा मिला लेना। अगर आपको सत्तू आटा नहीं मिले तो ये कितना कितना मिला लेना वो बोलता हूँ मैं आप लोगों को। वीडियो जरा सुकून से देखो समझो, ये आप लोगों को 250 ग्राम लेना है, ये 150 ग्राम लेना है, इसमें 5 रुपए वाला भी एक आता बिस्किट। अगर जहां पे पार्ले जी बिस्किट भी नहीं मिलता, पार्ले जी बिस्किट बहुत जगह नहीं मिलता बोल रहे, ये तो मेरे हद तक तो इंडिया में पूरा मिलता, कुछ जगह नहीं मिलता भी होगा। अगर ये नहीं मिला तो इसमें मिल्क बिस्किट मिलता, यानी बादाम वो गुड्डे बिस्किट नहीं हुई, मिल्क बिस्किट बोले सीधा सीधा लंबा कैप्सूल के टाइप में मिलता है, वो मिल्क बिस्किट आप लोग इस्तेमाल कर ले सकते, बेहतरीन काम करता ये, आप लोग इस्तेमाल करके मेरे को कमेंट कर सकते। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं इस उन लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करो, और नए जो हमारे से जुड़े हुए हैं अभी उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी आप लोगों को इसी तरह के रिलेटेड फिशिंग और फिशिंग बाइट के वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।